अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जाने फाती किचन और आज हम बना रहे हैं सेसमी पोटैटो स्टिक्स। सेसमी पोटैटो स्टिक्स बनाने के लिए हमने सबसे पहले ले लिया है 1 कप है हमारे पास बॉयल पोटैटो और इसको हमने मैश कर लिया है और इसके अंदर ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट। चिली फ्लेक्स हमारे पास है 1 टीस्पून, ये ऐड कर देंगे हम इसमें। रेड चिली पाउडर हम ले लेंगे 1/2 टीस्पून और मिक्स हर्ब्स हमें चाहिए 1/3 टीस्पून, ये भी ऐड कर देंगे हम इसके अंदर। 4 टू 5 टेबलस्पून हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर, कॉर्न स्टार्च हमें चाहिए 5 टेबलस्पून अराउंड हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर। अगर हमें कम लगेगा तो हम और भी ऐड कर सकते हैं इसमें बाद में। 5 टेबलस्पून हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया। हरा धनिया ऐड कर देंगे हम इसमें 1 टेबलस्पून और इसे मिक्स कर लेंगे हम। अब इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको हाथ से अच्छा सा मिक्स कर लेना है, बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अंदर कॉर्नफ्लोर जो हमने ऐड किया है, अब हम इसका एक बॉल बना लेंगे। ये देखिए हमने इसका बॉल बना लिया और हाथों को हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया और ये सारा ऑयल हम इस पर बॉल पर लगा देंगे। और अब हमने एक हमने पॉलीथीन बैग ले लिया, न्यू आप ले लें, और इसको हम ग्रीस कर लेंगे। और ये हमने पॉलीथीन बैग को ओपन कर दिया और इसमें ऐड कर देंगे ये डालकर, तो हम इसे प्रेस कर देंगे। ये देखिए हम इसको अब प्रेस कर देंगे, रोलिंग पिन ले लेंगे और इससे हम इसको प्रेस कर देंगे। इसको हम रोलिंग पिन से सारा प्रेस कर लेंगे ताकि जितना हमारा ये पॉलीथीन बैग है इसके साथ ही ये सारा डिज़ाइन बन जाए, इसका कवर हो जाएगा इसी में ही सारे। ये देखें हम प्रेस करते जाएंगे, ना ही ज़्यादा हमें मोटा रखना है ना ही ज़्यादा थिन करना, बस इसको हम इवन कर देंगे। यहाँ से हम इसको फिंगर से बराबर कर लेंगे। और फिर अगेन यहाँ से हम रोलिंग पिन से फिर कर देंगे। यहाँ से भी इवन हो जाए और इसको हम रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे और फिर फ्राई कर लेंगे। हम फ्रीज़र में इसको रखने से पहले इसकी कटिंग कर देंगे। ये जो हमारा प्लास्टिक कवर है इसके कॉर्नर्स पर से हम कट कर लेंगे। सारा हमने इसको यहाँ से कट कर लिया, ये साइड भी हम कट कर लेंगे ताकि ये ओपन हो जाए इजीली। अब हमने ले लिए हैं तिल, सेसमी सीड्स ले लिए हैं हमने, 1-2 टेबलस्पून है ये, इसके ऊपर हम सारे स्प्रिंकल कर देंगे। ये देखिए हमने सारा इस पे तिल को डाल दिया। अब इस कवर को हम दोबारा से इसके ऊपर कवर कर देंगे और इसके ऊपर एक मरतबा और रोलिंग पिन से हम प्रेस कर देंगे ताकि हमारे जो सेसमी सीड्स हैं अच्छे से इस पे स्टिक हो जाएं। ज़ोर से नहीं करना हमने कि इसकी शेप ख़राब हो, बस इसको बस हमने प्रेस करना है, इतना हमें बस करना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना। और इसको मैं फिर 10 मिनट के लिए बस रखूँगी फ्रीज़र में। ये देखें बस परफेक्ट है। अब हम इसे रख देंगे फ्रीज़र में 10 मिनट के बाद, हम इसकी कटिंग करेंगे।
चुकी है। हमने इसको 10 मिनट फ्रीज़र में रख दिया था, ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जैसे भी आप कट करना चाहते हैं, हम थोड़े से इसके स्ट्रिप्स को कट कर लेंगे। देखें, ये अब सारा कट हो चुका है और अब हम इसको सेंटर में से कट कर देंगे। हमने ऑयल को प्री हीट करने रख दिया है और अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। एक एक पीस को हम लेंगे और इसमें डाल देंगे। नाइफ से ही उठा लेंगे, इजीली आ जाएगा ये। लेकिन सारी स्ट्रिप्स ऐसे ही हम ऑयल में डाल देंगे। ज़्यादा हमने ऑयल को हॉट नहीं किया, नॉर्मल है, ताकि बस कुक होना स्टार्ट हो जाए। मज़े की सी क्रिस्पी टैटो स्टिक्स रेडी हो जाएंगी। आप इसे बच्चों को बना के दें, बच्चे भी इंजॉय करेंगे। जितनी इसमें पैन में इजीली आ जाएंगी, हम उतनी ऐड कर देंगे। टी टाइम के लिए बेस्ट रेसिपी, कोई गेस्ट आए तो आप जब भी बना सकते हैं, और इसे बना के आप फ्रीज भी कर सकते हैं, और जब दिल चाहे निकालें और फ्राई करें और इन्जॉय करें। देखें, इसको हम एक मिनट के बाद इसको टर्न कर देंगे, ताकि ये अदर साइड भी इसकी कुक होना स्टार्ट हो जाए। फिर बाद में हम इसको गोल्डन कर लेंगे अच्छा सा। ये एक साइड गोल्डन हो चुकी है, फिर अब हम इसको अगेन टर्न कर देंगे, ताकि ये पहले वाली साइड जो है ये भी अच्छी सी गोल्डन हो जाए। और ये बस रेडी है, इतने मज़ेदार से क्रिस्पी। ये देखें, कुछ पीसीज हमारे गोल्डन हो चुके हैं, हम किसी स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और इसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। और जो बाकी हमारी ये पोटैटो स्ट्रिप्स रह चुकी हैं फ्राई होने वाली, उसको फ्राई कर लेंगे और फिर हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। इतनी प्यारी सी हमारी ये पोटैटो स्टिक्स रेडी हैं। फ्रेंड्स, हमारी सेसमी पोटैटो क्रिस्पी स्टिक्स रेडी टू ईट हैं। आप इसे बनाएं, एंजॉय करें, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पर देखने को मिले। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग जेफ के चैनल। अल्लाह हाफिज़।